हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस 2 का आखिरी आर्टिकल मैंने स्टार्ट किया, जो कि है वेक्टर्स। मैं अभी कैलकुलस 2 की सारी आउटलाइन को कवर करवा रही थी, उसमें जो लास्ट टॉपिक था वो था वेक्टर्स। वेक्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स में हम बेसिक इंट्रो वेक्टर का क्या होता है इसको पढ़ेंगे, अर्थमेटिक्स जो वेक्टर्स की होती हैं, वेक्टर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन, और जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होगा वेक्टर्स के अंदर, इसे मैं सब आर्टिकल कहूँगी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स में हमारे ये मेन आर्टिकल्स होंगे जो हम इनको कवर अप करेंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो जस्ट बेसिक कंसेप्ट पे है कि वेक्टर होता क्या है, और मैथ में हम टू डायमेंशनल वेक्टर, थ्री डायमेंशनल वेक्टर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो बेसिक इंट्रो से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी या कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी मिले और हमें डायरेक्शन भी मिले, तो हम क्या कहते हैं उस चीज़ का नाम, हम क्या रखते हैं क्वांटिटी का नाम जिसमें हमें मैग्नीट्यूड मिले और हमें डायरेक्शन मिल जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो भी टर्म होगी वो कहलाएगी वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर कोई मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि हम किस साइड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वॉल है, लेट्स सपोज मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, तो ये अगर एक वॉल है तो अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, तो जो 5 न्यूटन फोर्स होगी ये होगी मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन है, क्योंकि राइट साइड पे वॉल के हम डायरेक्शन फोर्स की है, तो फोर्स अप्लाई जो हो रही है राइट साइड पे हो रही है वॉल के, तो ये डायरेक्शन इसकी एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी फोर्स की डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि फोर्स जब भी कहीं पे भी अप्लाई होगी तो उसमें कोई ना कोई उसकी मैग्नीट्यूड होगी और कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन होगी। तो फोर्स हम ले सकते हैं एग्जांपल किसी भी वेक्टर की। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर, तो आप कह सकते हैं फोर्स, आप कह सकते हैं वेलोसिटी, आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है। अब हम इस टॉपिक को अपने मैथ की तरफ लेके आएंगे। अभी हमने सिर्फ वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर होता क्या है, लेकिन मैथ में वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ में रिप्रेजेंटेशन अगर आप करें वेक्टर की तो किस तरह होगी, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सबसे पहले आप ले लें एक 2D यानी 2-डायमेंशनल स्पेस, यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है। अगर इसके अंदर मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक लाइन सेगमेंट यूज़ करूँगी विद एन एरो हेड, एक लाइन सेगमेंट जिसका कोई एरो हेड होगा। सपोज मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट है और ये इसके ऊपर लग गया एरो हेड। तो अगर आपके पास 2-डायमेंशनल स्पेस होगी और उसमें आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक लाइन सेगमेंट लेंगे और एक एरो हेड लेंगे। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को, और इसका जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। तो ये एक वेक्टर होगा किसी भी 2-डायमेंशनल स्पेस के अंदर, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह भी हो सकता है, तो हमें पता होगा कि ये इतनी इसकी मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। तो वेक्टर मैंने अभी बताया ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और जिसकी डायरेक्शन भी होगी, इसी चीज़ को आप 2D में भी और 3D में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेस में क्या हो जाएगा, उसमें एक एक्स एक्सिस और जी एक्सिस इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें आप क्या करेंगे किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो 3-डायमेंशनली वो रिप्रेजेंट होगा। अब मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर क्या होते हैं और रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की क्या होती है। मैथ में जब आप वेक्टर को लिखोगे तो आप हमेशा उसके ऊपर एक छोटा सा
एरो हेड लगाओगे, जो रिप्रेजेंटेशन होगी कि यहाँ पे ये वेक्टर की बात हो रही है। अगर यहाँ पे मैं ए लिख दूँ तो ये एक सिंपल ए है, इसका मतलब कोई वेक्टर नहीं है। लेकिन अगर ए के ऊपर मैं छोटा सा एरो हेड लगा दूँ तो इसका मतलब है ये एक वेक्टर की बात हो रही है। जब भी हम वी ए यू डब्ल्यू कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नोटेशन आप ले सकते हैं, तो ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे एरो हेड के साथ। वेक्टर को जब भी आप लिखेंगे तो आप ये वाली ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे और इसके अंदर वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे। लेट्स सपोज मेरे पास वी एक वेक्टर है जो टू डायमेंशनल में है, तो इसका एक कंपोनेंट ए वन है तो एक कंपोनेंट ए टू है, तो बीच में कॉमा आ जाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास ए एक वेक्टर है लेकिन वो थ्री डायमेंशनल में है, तो उसके अंदर कॉम्पोनेंट कितने हो जाएंगे, तीन। तो कुछ इस तरह उसको हम लिख सकते हैं। तो ये था 2D डायमेंशन में वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, और ये है 3D डायमेंशन में, यानी 3D का मतलब यही है कि थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट है, जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसके कंपोनेंट जो हों वो जीरो हो जाए। लेट्स सपोज मैं पहले आपको लिख के देती हूँ एक वेक्टर वी, और इसके कंपोनेंट हैं ए और बी। तो ये जो इसके एलिमेंट्स हैं इन्हीं को मैं कह रही हूँ कंपोनेंट का नाम दे रही हूँ। तो वेक्टर के ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। तो अगर कोई भी वेक्टर जिसके सारे कंपोनेंट्स जीरो हों तो हम उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट को जीरो कर दूं, तो ये मेरे पास एक जीरो वेक्टर होगा। ये 2D में होगा जीरो वेक्टर। और अगर मैं लिखूं इस तरह, तो ये थ्री डायमेंशन यानी स्पेस में जीरो वेक्टर होगा। तो ये था जीरो वेक्टर। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर की पोजीशन को शो करता है। लेट्स सपोज अगर आपको पेपर में ये कह दिया जाए कि पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करें और दो पॉइंट्स गिवन हो, तो आपने किस तरह पोजीशन वेक्टर निकालना है। अगर आपके पास यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है और कह दिया जाए कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, इन दोनों से बनने वाला एक पोजीशन वेक्टर बनाएं, या फिर ए और बी पॉइंट दे दिए और कहा जाए वेक्टर फॉर्म बनाएं, तो आपने कैसे बनानी होगी? सबसे पहले आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2D ली है, टू डायमेंशनल स्पेस है, तो ए के कंपोनेंट भी दो ही होंगे और बी के कंपोनेंट भी, इसको मैं बी वन और बी टू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं और आपको कहा जाए इनसे एक वेक्टर फॉर्म बनाएं या पोजिशन वेक्टर डिटरमिन करें, तो आप कैसे करेंगे? आपने ए से बी की तरफ जाना है तो आप इसको लिखेंगे ए बी और ऊपर लगाएंगे एरो हेड। एरो हेड रिप्रेजेंट करेगा कि हम एक वेक्टर बना रहे हैं, और आपने क्या करना है, बी के कंपोनेंट्स में से ए के कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप बी के कंपोनेंट्स में से ए के कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ऐसा वेक्टर जो कि जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं, दो पॉइंट्स दे दिए जाएं, तो आपने उसे पोजीशन वेक्टर इस तरह निकालना होगा। ये था 2D के अंदर पोजीशन वेक्टर को किस तरह निकालना है। यही बात अगर मैं स्पेस में करती, लेट्स सपोज स्पेस में आपको दो पॉइंट्स गिवन होते, एक पॉइंट ए गिवन होता, ए वन ए टू ए थ्री, मैंने अभी बताया स्पेस में जो पॉइंट्स होंगे उनके एक पॉइंट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, एक वाई को और एक जी को। सिमिलरली बी ए का हमारे पास बी वन बी टू बी थ्री, बी वन रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, बी टू रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को, बी थ्री रिप्रेजेंट करेगा जी एक्सिस को।
तो अगर हमें इनसे एक वेक्टर या पोजीशन वेक्टर फॉर्म करना है तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। फर्स्ट में से फर्स्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड में से सेकंड और थर्ड में से थर्ड। आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस नहीं कर सकते, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस नहीं कर सकते। आपको यही अरेंजमेंट रखनी होगी जो मैंने यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वेक्टरों का ये 3D में वेक्टर पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। इसी को यूज़ करते हुए हम कुछ करते हैं एग्जांपल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह डिटरमिन करने हैं पोजीशन वेक्टर। इसी फॉर्मूले को हम सामने रखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं डिटरमिन द पोजिशन वैक्टर पी क्यू वेयर पी इज इक्वल टू माइनस फोर सेवन, क्यू इज इक्वल टू फाइव टेन। तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है कि आपने क्या फाइंड करना है, पोजिशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर आपको पास क्वेश्चन पेपर में ये कह दिया जाए डिटरमिन द वेक्टर फॉर्म और पी और क्यू गिवन हो, तब भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे आपसे पोजिशन वेक्टर ही पूछा जा रहा है, यानी पी क्यू ही पूछा जा रहा है। अब आपके पास पी में क्या है, पी कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट्स हैं, क्यू के अंदर भी दो पॉइंट्स हैं। तो ये पहला पॉइंट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाई को। इसका मतलब ये 2D की बात हो रही है, आपके पास टू डायमेंशनल स्पेस है, उसमें पी एंड क्यू आपको दो पॉइंट्स गिवन गिवन है और आपने पी क्यू पोजिशन वेक्टर डिटरमिन करना है। वेरी इजी, आपने सबसे पहले क्या करना है, पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आप ब्रैकेट ये वाली यूज़ करेंगे। अब आपने यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट्स हैं, तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्यू का लेना है और उसमें को माइनस करवा देना है फर्स्ट कंपोनेंट पी के, फिर सेकंड को माइनस करवा देना है सेकंड से। ये मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया है जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, बी वन माइनस ए वन, बी टू माइनस ए टू। बी वन जो सेकंड होगा इसका पहला पॉइंट है और बी टू इसका दूसरा पॉइंट है। सिमिलरली ए वन फर्स्ट जो पॉइंट है इसका पहला पॉइंट है और ए टू दूसरा पॉइंट है। तो आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आपने इधर आंसर लिखना है, फाइव माइनस इंटू माइनस प्लस टेन माइनस सेवन नाइन इन थ्री। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा पी और क्यू का। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल करवा रही हूँ। जितनी आप एग्जांपल्स करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये इजी होगा किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। अब मैंने यहाँ पे ए एंड बी लिया है, ए में थ्री पॉइंट्स हैं, बी में भी थ्री पॉइंट्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, स्पेस में आपको दो पॉइंट्स गिवन है और पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। अब आपने सिमिलरली क्या करना है, क्वेश्चंस ऊपर वाला ही है, मैंने बस ए एंड बी चेंज किए हैं। तो आपने क्या करना है, अगर ए से बी में आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो आपने ए बी एरो हेड बी के कंपोनेंट में से ए को माइनस करना है। तो बी का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है नाइन, ए का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है इलेवन, बी का सेकंड ज़ीरो, ए का सेकंड फाइव, बी का जो थर्ड है वो है थ्री माइनस इंटू माइनस फोर। यहाँ पे ये साइंस का ध्यान बहुत ज़्यादा आपको करना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो आप ये ना हो कि यहाँ पे माइनस लगाना भूल जाएं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपने केयरफुली अपनी वैल्यूज़ को देखना है। नाइन माइनस इलेवन करेंगे तो माइनस टू, ज़ीरो माइनस फाइव करेंगे माइनस फाइव, थ्री इंटू माइनस प्लस सो थ्री प्लस फोर सेवन। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर निकल आया। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इजी चीज़, मैंने आपको यहाँ पे टू डायमेंशन के अंदर पोजीशन वेक्टर डिटरमिन करना सिखा दिया।
थ्री डिमेंशन के अंदर पोजिशन वैक्टर डिटर्मिन करना सिखा दिया। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पोजिशन वैक्टर फाइंड आउट करें, लेकिन आपके पास पॉइंट सिर्फ एक ही हो, यानी सिर्फ एक ही मैं आपको पॉइंट दूं और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोलूं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है अक्सर पेपर में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको तो हमें करना ही नहीं आता। तो ये बहुत ही इजी है। अगर आपसे ये कह दीजिए तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर फॉर, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ए, कोई भी कुछ भी डिजिट्स ले लें, -1, 2 ले लें, यहाँ पे 2 पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट हो सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर आपके लिए कह दीजिए ए का, लेकिन अब आपके पास दो नहीं है पॉइंट। अगर दो होते तो हम दूसरे में से एक को माइनस करते और हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ही एक है, तो हम क्या करेंगे? अब आपने यहाँ पे छोटा सा हिंट यूज़ करना है। अगर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट गिवन हो तो आपने उसके ऊपर एरो हेड लगाना है, अपनी ब्रैकेट्स को चेंज करना है और कंपोनेंट्स को एज इट इज लिख देना है। तो यही इसका पोजीशन वेक्टर होगा। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इसके जो कोऑर्डिनेट्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, उनको कंपोनेंट्स बना देना है और ब्रैकेट्स को चेंज कर देना और एक एरो हेड लगा देना है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो मुझे होप है कि आपको ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। बहुत ही इजी था। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।